The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन के बारे में आप सब परेशान, काफ़ी लोग परेशान हैं। स्किन के ऊपर फंगस लग जाता है, उसे रिंग वर्म कहते हैं। जी हाँ, रिंग वर्म कोई वर्म नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है, ये फंगल इन्फेक्शन है। इसे टीनिया भी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, और ये स्किन के ऊपर ज़्यादातर होता है। तो इसके बारे में जानेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, दवा कौन सी इस्तेमाल करनी है, कैसे लगानी है। बहुत ज़रूरी वीडियो है, कहीं मत जाइएगा, बहुत ज़रूरी है देखना। आज तक सब गलती करते थे, अब नहीं करेंगे। मेक श्योर टू वॉच दिस टिल द एंड एंड शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, रिंग वर्म यानी फंगस यानी टीनिया आपके स्किन में हो सकता है, बहुत सारी जगह हो सकता है, आपके स्काल्प में, सर पे हो सकता है, आपकी दाढ़ी में हो सकता है, आपके पैंट्स के अंदर ग्रॉइन एरिया में हो सकता है, वहाँ पे उसको जॉक इच कहते हैं। जॉक इच का अलग वीडियो है। आपके टोज, आपके पैरों के टोज के बीच में हो सकता है, वहाँ एथलीट्स फुट कहते हैं। उन दोनों के वीडियोज़ अलग से बनाए गए हैं, ज़रूर देखिएगा। ढूंढने के लिए वीडियो बहुत आसान है, फंगस या बाय डॉक्टर एजुकेशन या एथलीट्स फूड या जो भी टॉपिक है उसके साथ डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब सर्च बार में डालिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। सो ये होता क्यों है, फंगस क्यों लगती है, फंगाई ये क्या है, ये जर्म्स है, ये ऐसी जर्म्स है जो डेड टिश्यू पे रह सकते हैं, आपके हेयर पे, नेल्स पे, आउटर स्किन लेयर पे जिंदा रह सकते हैं, वहाँ पे रहते हैं, राइट। ये रिंग वर्म बेसिकली एक मोल्ड है जो कि डर्मेटोफाइट्स जिसे कहते हैं, इस तरीके का फंगस है, राइट। फंगस का एक टाइप है ये, और बहुत कॉमन है बॉडी के ऊपर होना, बच्चों में सबसे कॉमन है, पर किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन बच्चों में सबसे कॉमन है। और ये फंगस, हमने जैसे फंगल वाले वीडियो में एक मोस्ट कॉमन बताया था कि ये वार्म मॉइस्ट एरिया, गीली जगहों पर, गर्म गीली जगहों पर रहता है, और आपको ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपकी स्किन, आपके ऐसे आर्मपिट्स, आपके एरियाज, आपके हाथ, आपके यहाँ बहुत पसीना आता है, और ऐसी जगहों पे जहाँ पर पसीना रह सकता है यहाँ, तो वहाँ पर आपका हवा नहीं आ रही है, बहुत देर तक पसीना जमा है, ऐसी जगहों पर वेट स्किन, ज़्यादा लंबे समय तक आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर अगर माइनर स्किन रैश हो जाए कहीं पर, जहाँ ऐसी जगहों पे ही कोई माइनर इंजरी, स्किन रैश इंजरी तो भी हो सकता है, नेल इंजरी तो भी हो सकता है। और अगर आप बहुत रोज़ नहाते नहीं हो, रोज़ सर नहीं धोते हो, तो भी आपको फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरे किसी के आप टच में आते हो जिसको फंगल इन्फेक्शन है, या आप कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट खेलते हो जैसे कुश्ती, रेसलिंग या वैसे, तो भी आपको उसके चांसेस ज़्यादा है दूसरे से आपको होने के, राइट। सो बहुत आसानी से फैलता है ये रिंग वर्म, और आपको हो सकता है किसी भी पर्सन जिसको रिंग वर्म है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से, या फिर उनकी कोई चीज़ इस्तेमाल करने से, जैसे कि उनके कपड़े, उनकी कंघी, उनके कोम्ब, उनके अगर स्विमिंग पूल के सरफेसेस पे, पूल सरफेसेस पे, या फिर आपके शावर फ्लोर या दीवारों पे भी अगर उन्हें रिंग वर्म वाले हाथ लगा, आपने लगा दिया, आपको हो सकता है। रिंग वर्म बहुत आसानी से फैलता है। इवन आपके पेट्स, आपके जानवर जो घर पे हैं, बिल्ली, कुत्ते, इनसे, डॉग्स, कैट से बड़ी आसानी से, कि वो कैरियर बन जाते हैं, उनसे बहुत आसानी से फैलता है। फैलेगा, आपको होगा तो क्या होगा, सिम्टम क्या होगे, आपको एक रैश आएगा, एक छोटा एरिया आएगा जिसमें लाल रंग के छोटे से उभरे हुए से स्पॉट्स आएंगे, छोटे छोटे पिंपल्स आएंगे, और ये रैश स्लोली एक पूरा रिंग शेप बन जाएगा, और रिंग शेप रेज्ड बॉर्डर होगा उसका, और सेंटर क्लियर हो जाएगा, ये रिंग जैसा दिखेगा, इसलिए इसको रिंग वर्म कहते हैं। और बॉर्डर पे थोड़े थोड़े स्केल्स भी आ सकते हैं, ठीक है, वाइट कलर के स्केल्स आ सकते हैं, लंबे समय में ज़्यादातर वाइट स्केल्स आ जाते हैं। ये ज़्यादातर आपके हाथों में, आपके पैरों में, चेहरे पे, या एक्सपोज्ड एरिया, जो भी बॉडी का एक्सपोज्ड एरिया है जहाँ होता है, हाथ लग जाता है, वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, और वो एरिया पे फिर इचिंग भी हो सकती है, यहाँ पे भी ज़्यादातर ये उन एरियाज में होते हैं ऐसे इचिंग, ठीक है। और आपके डॉक्टर्स इसको पहचानने के लिए, सिर्फ देखना काफ़ी है, देख के बता देंगे रिंगवर्म है, लेकिन फिर भी अगर टेस्ट करवाना है तो इसकी स्किन की स्क्रैचिंग, स्किन स्क्रैपिंग्स लेके वो माइक्रोस्कोप के अंडर देख के, KOH माउंट करके देख सकते हैं, स्किन कल्चर कर सकते हैं फंगस के लिए, स्किन बायोप्सी ले सकते हैं फंगस के लिए। अल्टीमेटली रिक्वायर्ड है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का सबसे पहला, सबसे बड़ा रूल,
आपको अपने स्किन को क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, क्लीन एंड ड्राई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं रहेगा कभी नहीं जाएगा। उसके अलावा आपको एक प्लेन सिंपल ओवर द काउंटर सिंपल दुकान में अपने फार्मेसी से मिलने वाली एंटी फंगल क्रीम लेनी है। कौन सी, सबसे बड़ा सवाल, कौन सी? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं, इनमें से कोई भी ले लो, कोई भी क्रीम जिसमें मीकोनाजोल, कोट्राइमेजोल, कीटोकोनाजोल, टर्बिनाफीन या ऑक्सीकोनाजोल है, इनमें से कोई भी एंटी फंगल मेडिसिन उसमें हो तो चलेगा। बहुत इफेक्टिव है ये रिंगवर्म को कंट्रोल करने में, लेकिन समय लगता है, 4 हफ्ते लगते हैं। जी हाँ, 4 हफ्ते लगते हैं कम से कम इनके साथ भी कंट्रोल करने में। और ये सारी दवाएं, इनमें से कोई भी दवा आप ओवर द काउंटर किसी भी फार्मेसी से बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीद सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपको नहीं पता कि लगाना कैसे है, वो बताते हैं। देखिए, लगाने से पहले आपको उस एरिया को पहले वॉश करना है, फिर ड्राई करना है, दोनों जरूरी, वॉश एंड ड्राई, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राई करने में रगड़ना नहीं है, पैट ड्राई, ड्राई करती उसके बाद क्रीम लगानी है, क्रीम लगानी है, बाहर के एरिया से शुरू करना है, जहाँ पर भी है बाहर के एरिया से शुरू करना है, धीरे धीरे अंदर आना है, अंदर आके ख़त्म। तो बाहर से शुरू करके अंदर आना है, उसके बाद मेक श्योर हाथ धोना है उसको लगाने के बाद। क्रीम को दिन में 2 बार लगाना है, 7 से 10 दिन तक लगाना है। याद रखिए, कई बार 4 हफ्ते लग सकते हैं जाने में, पूरा जाने में। 7 से 10 दिन पहले लगाना है, कई बार लंबा लगाना पड़ सकता है, और कई बार 4 हफ्ते हो जाने के बाद भी लंबा लगाना पड़ सकता है अगर वो जा नहीं रहा। उस रिंग वर्म के ऊपर बैंडेज, पट्टी वट्टी नहीं करनी, कुछ पट्टी बांधना नहीं है। आपके डॉक्टर, अगर आपका बहुत गहरा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, फैला हुआ है, तो फिर मुंह से खाने वाली एंटी फंगल दवाएँ भी दे सकते हैं, राइट। इसके अलावा छोटे बच्चों, बिल्कुल जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, वो स्कूल वापस जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिए, आपको थोड़ी बहुत और प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे ताकि वो फैले ना। कैसे प्रिकॉशन? बच्चों के खुद के कपड़े, टॉवल्स, बेड शीट्स, वो सब आपको गर्म पानी में, साबुन वाले पानी में धोनी है। उसके बाद जितनी गर्म हीट में उसको रेकमेंडेड है, जैसे कपड़े में कई बार होता है इतना गर्म मत करो, उतना गर्म, वैसे जितना रेकमेंडेड है गर्म से गर्म में उसको सुखाना है। उसके बाद जब हो सके हर बार नया फ्रेश टॉवल यूज़ करें, मतलब धोया अच्छा वाला, सही वाला टॉवल यूज़ करें, क्लोथ भी अच्छे नए यूज़ करें, धो धा के अच्छे से यूज़ करें या फिर नए यूज़ करें। और इवन जो अगर आप बाथ टब्स या सिंक या बाथरूम फ्लोर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी हर यूज़ के बाद साफ करें। जी हाँ, तभी वो वापस नहीं आएगा, नहीं कोई एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है, हाथ पैर से निकाला पैर में हो जाता है, जी हाँ हो जाता है। और हर बार क्लीन कपड़े पहनना एवरी डे, और कपड़े शेयर नहीं करना, किसी से शेयर नहीं करना, वरना आपसे उसको या उनसे आपको हो जाएगा। अगर आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट खेलते हो, कुश्ती खेलते हो, बॉक्सिंग खेलते हो, तो आपको स्पोर्ट्स के बाद तुरंत बाद नहा लेना चाहिए, पहले भी नहा के जाना चाहिए, दैट इज ऑल द थिंग, राइट। अगर पेट्स हैं, कुत्ते बिल्ली आपके घर में हैं, डॉग कैट्स, उनको भी ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि रिंग वर्म आपके एनिमल्स से इंसान में स्प्रेड होते हैं। उनको ट्रीट करने के लिए उनके डॉक्टर से बात करिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। देखिए, डरने की कोई बात नहीं, रिंग वर्म चला जाता है, 4 हफ्ते लगते हैं, जैसे ही आप इस्तेमाल करने लगे एंटी फंगल क्रीम 4 हफ्तों में ठीक हो जाता है। कई बार अगर 4 हफ्ते लंबे लग रहे हैं, तो आप उसको लंबे समय के लिए भी क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन फैल सकता है। कहाँ पे? फीट में फैल सकता है, स्काल्प में, सर में खुजाने से हाथ से उधर चला गया, ग्रोइन में चला गया, नेल्स में चला गया, वहाँ हो सकता है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा तो क्या होगा, रिंग वर्म है, बहुत ज़्यादा स्क्रैच कर दिया, तो एडिशनल बैक्टीरियाज वहाँ जाके बैक्टीरियल सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन कर सकते हैं। दूसरी स्किन की बीमारियाँ हो सकती हैं, बार बार खुजाने से सोरियोसिस या दूसरी जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं, राइट। रिमेंबर, अगर आपको लग रहा है आपको रिंग वर्म है, डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपके सेल्फ ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहे, याद रखिए रिंग वर्म एक फंगस है जिसको टीनिया भी कहते हैं, टीनिया क्रूरिस ग्रोइन में जो होता है, जॉकेज ट्रीनिया कॉर्पोरिस जो सर पे होता है, बहुत कॉमन चीज़ है, सबको होता है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, सबको होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सबको जानना ज़रूरी है। इसलिए शेयर दिस वीडियो, मैं दावे के साथ कहता हूँ ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि क्रीम कैसे लगाना है, सब सोचते हैं बेस्ट क्रीम, जो सिंपल क्रीम है उसको लगाने का तरीका तो सही करो, पहले सही ट्रीटमेंट तो लो, फिर जाके इलाज होगा। तो ये सबसे ज़रूरी जानकारी सबको ज़रूर बताइए, और देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।